हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बहुत ही अलग तरह से ऑमलेट बनाकर तैयार करेंगे। आपने ऑमलेट तो बहुत खाए होंगे, पर इस तरह से ऑमलेट बनाकर कभी नहीं खाया होगा। आप इस तरह से ऑमलेट बनाकर खाइए, ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। चलिए तो फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 अंडे ले लिए हैं। अंडे को फोड़ लेते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरा बाउल ले लिया है। अब इस तरह से देखिए, चाकू से थोड़ा इस तरह से कर देते हैं, कट लगा देते हैं। बस ये देखिए, इस तरह से 4 अंडे हम फोड़ लेते हैं। चारों अंडों को मैंने यहाँ पे फोड़ लिया है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी बारीक कटा हुआ टमाटर, एक बड़ा। आप चाहें तो टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो, और एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, इसकी भी आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो, और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। यहाँ पे मैंने 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हुई है। अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो आप थोड़ा कम डाल सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, और आप तीखा कम खाते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, या आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप बिल्कुल मत डालें। नमक स्वाद अनुसार आधी चम्मच। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरा अंडा का मिक्सर मिक्स हो चुका है। ये अच्छे से देखिए, मैंने यहाँ पे इसको फेंट भी दिया है। आप चाहे तो इसमें और भी कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, जैसे कि आप गाजर भी डाल सकते हो और शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हो। चलिए तो ये अब हमारा तैयार हो चुका है। फूड से रिलेटेड कोई भी रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, और पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है। अब यहाँ पे मैंने पैन में इस तरह से देखिए ऑयल को फैला देते हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे। अब इस तरह से ग्रेट को रख देते हैं, और ये देखिए मैंने इस तरह से भी सेट कर दिया है। बस हम यही पेस्ट डाल देते हैं इसमें, जो हमने अंडे का बनाया है, इस तरह से ग्रेट के ऊपर से इस तरह से। तो इसको इस तरह से फैला देते हैं, और जो किनारे से भी रह गया था इसको भी इस तरह से कवर कर देते हैं। अब देखिए, ये एक तरफ से सिक चुका है। अब इस तरह से किनारे छुपा लेते हैं हल्के हाथों से, इस तरह से, बस हल्के हल्के हाथों से ही किनारे छुपाएंगे। अभी थोड़ी देर इसको और पकने देते हैं। अब हमारा ऑमलेट देखिए अच्छे से सिक चुका है नीचे से भी। अब इस तरह से हम इसको पलट देते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से पलट गया है। थोड़ा ये किनारे से है, इसको हम बीच में इस तरह से कर देते हैं। अब बस जो मिक्सचर बचा हुआ है हमारा ऑमलेट का, इसको भी इस तरह से इसके ऊपर से इस तरह से फैला देते हैं। ये ऑमलेट खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। यहाँ पे देखिए, हमने अंडा डाल दिया है इसमें इस तरह से। देखिए इसके भी वेजिटेबल इस तरह से फैला देते हैं, जिससे ये चारों तरफ से वेजिटेबल हमारे ऑमलेट में लग जाए। अब हमने इसको फैला दिया है। थोड़ी देर इसी तरह से लो टू मीडियम गैस पर इसको पकने देते हैं। अब फिर से हम इस तरह से इनके किनारे छुटा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम किनारे छुटा लेते हैं। अब बस इस तरह से फिर से इसको दोबारा से पलट देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अब मैंने ऑमलेट को दूसरी तरफ से भी पलट लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ऑयल डाल देते हैं, जिससे ये अच्छे से पक जाए। बस इस तरह से मैंने ऑयल डाल दिया है। अब थोड़ी देर 2 मिनट तक पकने देते हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। 2 मिनट के बाद हम देखिए चेक कर लेते हैं। इस तरह से ऑमलेट हमारा कंप्लीट है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं, और इस तरह से एक प्लेट लगाते हुए इस तरह से हम ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए, तो देखा आपने हमारा सैंडविच या ऑमलेट, आप कुछ भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल यूनिक तरह से मैंने बनाया है। ये आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी इस तरह से बना कर देखिए, खाने में बहुत ही टेस्टी है। चलिए अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। मैंने एक चाकू ले लिया है, और चाकू से देखिए इस तरह से हम कट कर लेते हैं।
आपको जिस तरह की साइज पसंद हो उस तरह से आप कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। अब मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब मैं इसकी भी आपको प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। मैंने एक प्लेट ले ली है बस इस तरह से। तो लीजिए मैंने प्लेटिंग कर ली है, मैंने यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट बनाकर तैयार कर लिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।